आज बड़सर में द रीजिंग यूथ एनजीओ और मसाल एनजीओ की तरफ से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 5 जून से लेकर 10 जून तक इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसका पहला चरण अभी शुरू हुआ है। दूसरे चरण में जुलाई में पौधारोपण कार्यक्रम दोबारा चलाया जाएगा, जिसमें इस साल 80 फलदार पौधे लगाने का निर्णय संस्था द्वारा किया गया है। अभी तक 215 से लेकर करीब 400 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। इस साल भी इसी क्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जंगलों में फलदार पौधों की कमी के कारण जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर फलदार पौधे लगाने का मकसद रखा गया है। संस्था का ये मानना है कि ज्यादा पौधे लगाने की बजाय कम भी लगाए जाएं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जितने भी लगाएं उनकी देखभाल करना जरूरी है। आज करीब 10 फलदार पौधे रोपित किए गए, इसमें संस्था के सचिव प्रदुमन गोपाल शर्मा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। साथ ही अन्य साथी कार्तिक शर्मा, साहिल शर्मा, अमन शर्मा, अरविंद मौर्या, अक्षय अग्निहोत्री, प्रतीप गर्ग, धीरज शर्मा, मन्नत पटियाल, शौर्य ठाकुर, लवप्रीत सिंह आदि सदस्य शामिल थे। इस साल पौधारोपण के लिए संस्था के द्वारा सोशल मीडिया पर चैलेंज योर फ्रेंड अभियान चलाया जा रहा है, ताकि और लोग भी इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में साथ आएं। सेव एनवायरनमेंट सेव फ्यूचर नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जा रहा है। मीडिया पे जरूर लाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गर्ग पिछले 13 साल से एक एनजीओ चला रहा हूँ। मशाल नाम से एनजीओ है हमारी। और ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, जैसे हमारा राइजिंग यूथ क्लब है और हमारी एनजीओ दोनों इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, जैसे पौधारोपण आए और कोई और काफी सारी एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट करते हैं। काफी सारी चीजें गोपाल जी ने बोल दी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारी एनजीओ इन छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके चलिए, जैसे ये देखो 12 साल का बच्चा है, ये 14 साल का बच्चा है, हमारे साथ 45 साल के आदमी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, बाबा जी हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी तरफ हमारे एनवायरनमेंट को लेके जा रहे हैं। क्योंकि आज से हम 10 साल बाद अगर पौधों को देखेंगे, उस टाइम हमें फीलिंग आएगी, सब लोगों को देखेंगे कि हाँ भाई इस अभियान को कैसे चलाया होगा और कैसे सक्सेस हुआ है।